तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, पार्ट वन कंप्लीट कर लिया था, अब हम पार्ट टू कर रहे हैं। हमें क्या करना है इसके अंदर, इसका फ्रंट व्यू बनाना है जो कि ये है। अब यहाँ पर इसके डायमेंशन गिवन नहीं है, तो उसकी डायमेंशन कैसे निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। तो चलिए सबसे पहले हम बाहर आउटर गोले की डिटेल निकालते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके केस में, हमें यहाँ पर रखना है कंपास और सबसे बड़ा साइज जो था हमने जो ये लिया गया था वो खोल लेते हैं। ये खोल लिया, यहाँ पे रखा सेंटर पे और गोल घुमा दिया, तो ये आ गया सबसे बड़ा गोला जो बाहर वाला था, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा गोला है उस गोले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड सर्कल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रखेंगे और ये चीज दिखाई दे रही है जो टेपर में है, इस तक साइज खोलेंगे। कहां से कहां तक देख लो दोबारा, यहां से यहां तक इसका, ठीक है ये चीज। तो यहां पर रखा और अब ये घुमा दिया, तो ये क्या है, ये रिम हो गया, जो रिम की थिकनेस होती है ना ये उसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये आ गया। उसके बाद जो तीसरे नंबर का जो सर्कल है वो यहां से ये आ जाएगा, ये चीज, ठीक है, इस तक, यहां तक जो कि हमने ऊपर से 6 mm या 3 mm छोड़ा था, तो वो आ गया ये सर्कल, तीसरा सर्कल दिखा दिया हमने। अब आता है चौथा सर्कल, तो अब यहां से इस सर्कल का एंड पॉइंट ले लेना, ये ले लिया, और इसको अभी लाइट बनाना, इसको डार्क नहीं करना क्योंकि ये इरेज करना है हमें, इसके अंदर कहीं कहीं बनेगा और कहीं कहीं इरेज होगा, तो इसको हमने लाइट ले लिया। ये वाला फोर्थ सर्कल, सबसे पहला बाहर की मदद से, दूसरा इसकी मदद से, तीसरा इसकी मदद से, चौथा इसकी मदद से, चारों सर्कल बन गए यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, अब हमें अंदर के सर्कल बना देने, तो सबसे पहले हमें शाफ्ट बनानी पड़ेगी। तो शाफ्ट का साइज हमने यहां से लिया, यहां पे रखा और ये आ गई हमारी शाफ्ट। उसके बाद हमें क्या करना है, कॉलर का दिखाना है, यानी कि यहां से खोलना है और कॉलर दिखा देना है। कॉलर क्यों दिखाएंगे, क्यों, अंदर का क्यों नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि जब हम साइड व्यू से देख रहे हैं हम उसको, फ्रंट व्यू को, तो हमें पहले कॉलर दिखाई देगा, शाफ्ट के बाद कॉलर दिखाई देगा। तो हमने यहां पर रखा और कॉलर दिखा दिया, ये आ गया कॉलर। अब आ जाता है वो वाला जहां पर हमें गोला बनाना है, ठीक है, यानी कि यहां से ये चीज, ठीक है, इसके सेंटर तक का, इसके सेंटर का लेना है, यहां पे रखना है और इसको भी हम क्या करेंगे, लाइट बनाएंगे। ये लाइट बना दिया, इसके ऊपर अब हमें यहां पर वो चीज टेपर दिखानी है। तो अब हमें क्या करना है, यहां पर हमें काम करना है यहां पर। तो हमें जैसे ये कर्व दिखाई गई है, इसके अंदर ये चीज दिखाया गया 36 का आधा 18, 18 का आधा 9, तो हम क्या करते हैं यहां पर आते हैं। मैंने बोला था सबसे चौथे नंबर का डायग्राम लाइट रखना है, तो हमें ऐसे रखना है 9 mm पे इधर डॉट और 9 mm पे इधर डॉट, दोनों तरफ 9 mm पे डॉट ले लिया। वही चीज जो हमने लास्ट वाला लाइट रखा है उस पर क्या करना है, 50 mm का गीवन है, यहां पर 50 गीवन है, तो 50 का आधा 25, तो 25 का हाफ कितना आ जाएगा, 12.5 12.5, तो हमने वो इधर ले लिया और इधर ले लिया। अब ये ले लिया, अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों को टेपर में ज्वाइन करवा देना है बिल्कुल लाइट लाइन के साथ, ठीक है। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो दोनों तरफ से ऐसे ज्वाइन करवा दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इरेजर लेनी है, अंदर वाला सर्कल इरेज कर देना है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, और यहां पर ये वाला सर्कल इरेज कर देना है। तो ये क्या हो गया, ये इसका पार्ट बन गया, जैसे दिखाई दे रहा है ना मिटने के बाद, ये इसका पार्ट बन गया। अब हमें ये चीज डार्क कर देनी है, पहले भी डार्क कर सकते हैं नो प्रॉब्लम, बट डायग्राम जब तक प्रॉपर दिखाई ना दे बनता हुआ तब तक डार्क मत करना। ये चीज हो गई, वही तरीका हम यहां पर लेंगे, यहां पर लेंगे हम 9 इधर 9 इधर और 12.5 इधर 12.5 इधर, फिर ऐसे करते हुए हम चारों पे बना, तो ये चारों कोने पे बना दिया। अब यहां से कंपास लेना है यहां तक का, अब हो गया डार्क, तो ये इसका पार्ट बन गया, ये इसका पार्ट, ये इसका पार्ट और ये इसका पार्ट, तो वो चीज डार्क हो गई। वही चीज अब हम यहां करेंगे, ठीक है, ये चीज, ये चीज ऐसे करते हुए सारे ज्वाइन हो गए, यहां पर ये बन गया। अब हमें क्या करना है, यहां पर बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि सर ये क्या है, ठीक है, बंद करके बैठे, ये चीज दिख है, ये है क्या, अब इस पर फोकस करेंगे हम,
देखो ये चीज है, इसका मतलब है इसका कोई साइज नहीं होता, इसको हम कहीं पर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जो रिम है वो रोड नहीं है, मतलब होलो पीस नहीं है, रोड है प्रॉपर, यानी कि सॉलिड है अंदर से। कैसा है? सॉलिड है, सॉलिड है। तो इसको बनाने के लिए हम कहीं पर भी एक ऐसे लाइन लेंगे सेंटर लाइन की तरह, बिल्कुल ठीक है। कोई इसके अंदर स्केल या कंपास की जरूरत नहीं है, चाहो तो फ्री हैंड भी ले सकते हो, ठीक है। या एक तरीका और है जिसको बोलते हैं हम रिमूव सेक्शन, उसमें हम कैसे दिखाते हैं, मैं आपको यहां पर एक डेमो दिखा देता हूं। यहां पर ले ली हैचिंग लाइन टेपर में, सॉरी सेंटर लाइन ले ली और इसको सेंटर लाइन को बाहर तक लेके गए, लेके गए। अब यहां पर हमने वो ऐसे बना के दिखा दी और ये कर दी, तो ये क्या कहता है कि ये इतना हिस्सा जो हमने काटा वो हमने यहां पर दिखा दिया, इसको बोलते हैं हम रिमूव्ड सेक्शन, अपनी जगह से हटाकर दूसरी जगह पर सेक्शन दिखाना, ठीक है। फिलहाल हम डायग्राम के अंदर कर रहे हैं, तो डायग्राम के अंदर क्या करते हैं, हम चाहें तो प्रॉपर भी ले सकते हैं, चाहे फ्री हैंड भी ले सकते हैं। तो मैंने यहां पर प्रॉपर ले लिया या फ्री हैंड ले लिया, जैसा आप बोलना चाहो। इसके अंदर हैचिंग दिखानी, ऐसा हैचिंग क्यों दिखानी है, ताकि ये सॉलिड को रिप्रेजेंट करे, ठोस को, ठीक है ना, ठोस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज आ गई। अब यहां पर आ जाते हैं हम की के ऊपर। अब की जो है, जैसे कि हमने हाफ ली थी 6 mm, तो 1, 2 and 3, 3 इधर, 1, 2 and 3, 3 इधर, दोनों तरफ 3, 3 ले लिया, यहां रखा, और ये लेना है 2 mm इधर और 2 mm इधर, यानी कि ये आ गया 4 का, ठीक है। यहां पर क्या करना है हमें, ये रखा 2 mm ऊपर, 1 and 2, इस सेंटर से 2 mm and 2 mm, और इधर लेना है 3 mm। यहां पर रखेंगे हम, ये दिखा देते हैं, यहां पर ये चीज आ जाएगी 1, 2 and 3, और ये 1, 2 and 3, तो ये आ गया 6 mm, ये आ गया 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, 6 mm, और ये आ गया हमारा 4 mm and 4 mm। तो ये बन गई हमारी की। अब इस वाले पोर्शन में हम क्या करते हैं, यहां पर ऐसे करते हुए सेक्शन लाइन चला देते हैं, जो कि सॉलिड पोर्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है भाई। कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें, रिप्लाई मिलेगा। अब यहां पर यह चीज हो गया है, यह चीज कंप्लीट हो गई। यहां पर अब यहां पर हम लिख देते हैं क्या, फ्रंट व्यू, ठीक है। डायग्राम हो गया रेडी, डायमेंशन मैं आपको बताता चल रहा था, और सारी एरिया डायमेंशन यहां से उठाकर डिट्टो ये डायमेंशन हम गिवन कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच माय डियर।